वेरी नाइस क्रैश बैरियर एज वेल एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मेक श्योर यू ऑल लाइक द सेशन इफ यू लाइक इट डू शेयर इट विद ऑल यू फ्रेंड्स एंड डू कॉमेंट एंड मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा चैनल पर नए हैं तो मेक श्यूर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेलाइकन एज वेल तो दैट्स मे आकाशेव आप मुझे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक ऑल द फ्री क्लासेस विच आई है सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहां पर इंडिया और जापान की एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की नोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि भारत और जापान ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की फॉर एग्जाम्पल एक एक्सरसाइज बहुत न्यूज में थी दैट वॉज वीर गार्जिन

इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू थिंगी कोड दिस थिंग कि भाई ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो है वो जापान के साथ है चाहे वो वीर गार्जन हो चाहे वो धर्मा गार्जन हो और चाहे वो सिन्यू मैत्री हो फर्क क्या है अब ध्यान रखें वीर गार्जन में इंडियन एफो से पार्टिसिपेट किया था सिन्यू मैत्री में भी इंडियन एफो से पार्टिसिपेट किया है और धर्मा गार्डियन जो एक्सरसाइज है दैट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब इंडियन आर्मी बेसिकली धर्मा में पार्टिसिपेट करती है आप यहां देख सकते हैं इंडिया और जापान की आर्मी एक्सरसाइज धमा गार्डन और वी गार्डन और शिन्यू मैत्री जो है दोनों एयरफोर्स मच स्मार्ट एनीवेज 2022 में हमने देखा नोबेल पीस प्राइज की जब बात आती है तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइस है नो डाउट अबाउट इट नोबेल पीस प्राइज यू गॉट टू अंडरस्टैंड वो मिला एलेस बी को मेमोरियल को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज लेकिन यहां पर जो अभी चर्चा का विषय है वो है एलेक्स की नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये इतने ज्यादा न्यूज में क्यों है यहां पर ये न्यूज में है क्योंकि बेलारूस की जो प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर लुकाशेंको जिनको कई बार यूरोप का लास्ट डिक्टेटर भी बोला जाता है जो बेलारूस की कमान संभाले हुए हैं इन्होंने इस नोबल ऑरियेट को यानी एल एस बेला को दस साल की जो सजा है वो दे दी है मतलब बेलारूस ने दस साल के लिए इनको अंदर रख दिया और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे चार्जेस भी इन पे लगे हैं जो ऐसा माना जा रहा है कि सही नहीं है दे आर ऑल फेक चार्जेस और इसकी वजह से बेलारूस को जैसे कि हमेशा होता ही है इंटरनेशनल कंडेमनेशन को झेलना पड़ा है कड़ी निंदा हो रही है उनकी पूरी दुनिया की तरफ से तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से 10 साल की जेल जेल टर्म मिली है इस नोबल पीस विनर को इनफैक्ट नोबेल पीस प्राइस भी इनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने लोगों की जो सिविल लिबर्टीज है जो लोगों की राइट है उनके लिए हमेशा से आवाज उठाई तो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से वॉर क्राइम्स ह्यूमन राइट अब्यूज जो होता है उसको उजागर करना उसको दुनिया के आगे लाना और उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल था तो ये आप याद रखेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में दे लास्क यू की एलेस इन लॉट ऑफ न्यूज तो वो कहां से बिलोंग करते हैं या क्वेश्चन आएगा कि 2022 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला यू शुड नो एलएस बयाल्स चाहे आपको ये ना भी पता हो कि बाकी नोबेल पीस प्राइस किसको मिले हैं लेकिन क्योंकि अभी इनको इम्प्रेजेंट किया गया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट मूविंग हेड हम लोग बात करते हैं एक क्रैश बैरियर की ये क्रैश बैरियर जो कि आपको हाईवे के साथ में देखने को मिलता ही है ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा पर यह कुछ स्पेशल है ये क्रैश बैरियर स्पेशल है क्योंकि ये 200 मीटर लंबा बैंबू यानी कि बांस से बना हुआ क्रैश बैरियर है इसका नाम रखा गया है बाहु बल्ली सो बड़ा एक मजेदार नाम भी है और ये वानी वरोरा हाईवे जो है विदर्भ महाराष्ट्र में वहां पर इसको देखा गया तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको जूम करता हूं सो दट यू कैन सर्टली सी दैट तो आप यह देख पा रहे होगे कि पूरा का पूरा ये बांस से बना हुआ है तो वैसे तो कोई भी गाड़ी कोई भी ट्रक क्रैश नहीं होना चाहिए बट इन केस जैसे आप ये देख सकते हैं डेमो जैसे क्रैश होता है तो आप ये देख सकते हैं कि जो एक क्रैश बैरियर है अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो चाहे वो बहत्तर किलोमीटर की रफ्तार से भी कोई ट्रक इसमें क्रैश कर रहा है या कोई गाड़ी क्रैश कर रही है तो वो एकदम से टॉपल नहीं करेगी वो इस तरफ नहीं जाएगी ये टूटेगा नहीं तो एक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए स्ट्रांग भी होना चाहिए और काफी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए तो खासियत है यहां पे। तो एक बहुत ही खास तरह का ये है, नाम है बाहुबली बस इतना याद आप ये देखते विदर्भ रीजन महाराष्ट्र का जो है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा आई होप इट्रेड परसेंट क्लियर तो ये, आ, मतलब बहुत माइनर से पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आगे हम लोग बात करते हैं अब हालांकि ये दौरा जो है वो आठ तारीख को होने वाला है आठ नौ दस और ग्यारह मार्च को सो गो टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज ही इज बेसिकली विजिटिंग इंडिया अब ये जो दौरा है एल्बनीज का भारत में ये बहुत खास दौरा है ये मार्च मतलब नौ मार्च को क्रिकेट मैच भी देखेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बातचीत भी करेंगे ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पहली बात तो फोर डे विजिट है किसी भी प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई भी एक दिन से ज्यादा की विजिट होती है तो उस विजिट को बहुत ज्यादा सुर्खियों में रखा जाता है उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं तो हमने अभी देखा था पिछले हफ्ते की बात है ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर भी भारत में पहुंची थी क्योंकि वहां पे क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग थी तो इनकी पेनी वोंग जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो इस समय बहुत बढ़िया हैं और उन्होंने भारत की सराहना भी की कि भारत एक बहुत क्रिटिकल पार है एक बहुत ग्रेट पार है दुनिया की और भारत के साथ देखिए हर कंट्री अच्छे रिलेशन रखना चाहती है ऑस्ट्रेलिया भी उनमें से एक है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि हमें इंडो पैसिफिक एरिया में एक साथ काम करना है इंडो पैसिफिक रीजन क्या है जैसे आप इंडिया को देखते हैं जापान है ऑस्ट्रेलिया है यूएस है तो आप ये वाला जो एरिया देखते हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया लगभग ये क्या है इंडो पैसिफिक एरिया है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग हमारे पास जैसे जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट, क्वाड क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की आप बात करते हैं जैसे इंडिया जापान यूएस और ऑस्ट्रेलिया तो ये एक साथ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं मैं एक हाईलाइट आपको यहां देना चाहूंगा कि अगस्त दो में इसी मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है कौन दैट इज ऑस्ट्रेलिया सो पर्थ के अंदर ये लोग इसको होस्ट करेंगे लगभग यहां पे तो ये अगस्त में जो एक डेवलपमेंट होने वाली है ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना जरूरी है सो so, इनफैक्ट ये मैंने पॉइंट इसलिए आपके सामने रखा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कोर्डिनेटल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है सॉर्ट एट सो so, uh, इसीलिए मैंने ये दोनों चीजों को रिलेट किया तो इस बार की जो विजिट है इनकी uh, एल्बनी साहब की वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इसके रिलेटेड भी काफी डिस्कशंस हो क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया तो पार्टिसिपेट करेगा ही अगस्त के अंदर और अफकोर्स जापान यूएस भी पार्टिसिपेट करेगा ऑस्ट्रेलिया इज द होस्ट सो वी हैव टू सी कौन सी इसमें और डेवलपमेंट्स आती हैं आई रियली होप यू लाइक दिस सेशन एंड यू कैन सर्टली फॉलो मी ओवर हेयर ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डू शेयर द सेशन विद ये आपको कैसा लगा केस यू आर गेटिंग एनी प्लस या कोई भी सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवा रहे हैं तो आप यूडीएम टेन कोड का इस्तेमाल जरूर कर लें सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी अपडेट आपको किसी भी अपडेट मिस नहीं होगा आपका थैंक यू सो वेरी मच दिस सेशन हा अ ग्रेट डे जय हिंद जय भारत